इसमें धुआं भी निकलेगा, आवाज भी होगा, ये लॉन्च भी करेगा। लॉन्च भी करेगा जी, लॉन्च भी करेगा। ऐसा चंद्रयान 3 के मॉडल पे यहाँ पंडाल बनाया गया है, जो कह रहे हैं कि लॉन्च भी करेगा। अभी हम बिहार के बेगूसराय में हैं और जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है, और ये बिहार का यह वृंदावन कहलाता है। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, यहाँ के लोग बताते हैं कि पूरे भारत में वृंदावन के बाद कहीं अगर जन्माष्टमी पूरे धूमधाम से मनाया जाता है तो अब यह बिहार का बेगूसराय का चेहरा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 3 का मॉडल यहाँ पर मॉडल के रूप में पंडाल को तैयार किया गया है, और बेगूसराय के यहीं के आसपास के रहने वाले तेगरा के ही अमित कुमार ने चंद्रयान 3 में साइंटिस्ट के रूप में काम किया है। तो यहाँ के लोग इसी खुशी में चंद्रयान 3 का पंडाल बनाया है इस बार। और कितने की लागत आई थी इस बार? सर इसमें तो लागत आ गई है 6 लाख की, आ गई 6 लाख के करीब। और आपके यहाँ के एक लाल हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 में, अमित कुमार जी हैं, अमित कुमार इसरो में रहते हैं। और आप लोग ने इस बार भगवान और विज्ञान को एक साथ कर दिया है, भगवान के साथ विज्ञान भी जोड़ दिया है। जी जी सर, अब तो वही चल रहा है। तब हम लोग क्या करें, यानी देश बदल रहा है, बिहार भी बदल रहा है ना। इसलिए मैं इस मुख्यमंडल का सचिव हूँ। आप सचिव हैं जी। और 6 लाख की लागत आई है इसमें? जी इसमें 6 लाख की लागत। अच्छा, ये पूरे पंडाल बना, पूरे पंडाल बनाए और अदर भी खर्चा है सर, और अदर भी खर्चा है, कुल मिलाकर 10 लाख के खर्चे है। पूरे 10 लाख के खर्चा है जी जी, ये खाली मुख्य मंडप का। कब से तेगरा को बिहार का वृंदावन कहा जाता है? ये 1982, ये आज जो ये हो रहा है 96 साल हो जाएगा, 1996 साल से हो रहा है, 96 साल हो जाएगा, 96 साल इस बार हो जाएगा। जन्माष्टमी मनाया जाता है, मनाया जा रहा है 96 साल। अरे बाबा बहुत पुराना है जी। और हम लोग का इसका स्वर्ण जयंती मनाने वाले हैं, स्वर्ण जयंती मनाने वाले हैं, और उसमें भी सूर्य पर जो फतह करेंगे वे भी हम लोग यही करेंगे। सूर्य अगली बार का पंडाल सूर्य पर L1 वाला होगा। हाँ, वही तैयारी हमारी चालू है। यानी इससे पता चलता है कि बिहार के लोग अब भगवान के साथ साथ विज्ञान को भी एक तरह से मान रहे हैं। और आप ही के यहाँ के एक लाल ने चंद्रयान 3 में भी भूमिका निभाई है जी। इस पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अभी रात्रि का समय, फिर भी देखिए कितना भीड़ है यहाँ। किसके मन में कैसे आया सर? आइडिया क्या नया होना चाहिए, पब्लिक को जनता को नया चाहिए कुछ। हम लोग इस कि जनता जाने, देश जाने कि यहाँ कुछ होता है, इसलिए ये आइडिया आया। मंदिर मस्जिद सब जगह बनता है, इसलिए भगवान के साथ आप लोगों ने भी इस बार विज्ञान को जोड़ा गया, जोड़ दिए हैं। और चंद्रयान 3 के बताइए आप लोग बेगूसराय में इस बार इस तरीके का किया गया, क्या सोच के किया था आप लोगों ने? हम तो गया जिला के निवासी हैं, गया से आए जी। तो यहाँ पे देख के कैसा लगा इस बार? अच्छा, चंद्रयान 3 बहुत अच्छा लगा। इस तरीके के पूरे भारत में कहीं शायद नहीं हो जी। हाँ जी, क्या लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। हम बेगूसराय से आए हुए हैं मेला देखने के लिए खास करके। हाँ। जी, और ये क्या है? चंद्रयान 3 है जी। अभी कुछ बाकी है। हाँ बताइए। इसमें धुआं भी निकलेगा, आवाज भी होगा, ये लॉन्च भी करेगा। अच्छा, लॉन्च भी करेगा जी, लॉन्च भी करेगा। ऐसा चंद्रयान 3 के मॉडल पे यहाँ पंडाल बनाया गया है, जो कह रहे हैं कि लॉन्च भी करेगा। आप देख लीजिएगा कि वे होने वाला है। इतना ही नहीं, ये हमारे बेगूसराय जिला के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात, हमारे बेगूसराय जिला के लोगों ने इस चीज को समझा जो कि चंद्रयान 3 टाइप का पंडाल बनवा दिया, ठीक है। यानी कि विज्ञान की जो असली चीज थी, जो साइंटिस्ट ने यह चीज को लॉन्च किया, उसी प्रकार से ये हमारे जिला में, बेगूसराय जिला के टेगरा में इसी प्रकार से चंद्रयान 3 मिशन बनाया गया, और ये काफी आकर्षित करता है, और ये हमारे बिहार, हमारे बेगूसराय जिला के लिए ये गर्व की बात है। और ये क्या बोल रहा है, ये क्या बना दिया आप लोग यहाँ? क्या बना दिया है? आसमान में उड़ने वाला, आसमान में, चांद पे जाने वाला, रॉकेट बना दिए इन लोगों ने। और चूंकि यहाँ के एक लाल ने जिनका नाम अमित है, वो भी ईश्वर चंद्रयान 3 की सफलता में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पूरे देश में इस पंडाल की चर्चा हो और बेगूसराय की चर्चा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।